सो ये है R15 वर्जन 1। इसको हमने कलर किया है, कलर का प्रोसेस, कलर का रियल वीडियो आएगा। तो अभी जस्ट मैं सैम्पलिंग का दिखा रहा हूँ। ये जो इसका हेडलाइट है ये ओल्ड है, इसको हम कर रहे हैं रिस्टोरेशन। देख सकते हैं इसका कांच वगैरह, देख सकते हैं पूरा हेजी टाइप का हो चुका है। तो इसका जो हेडलाइट है ये इसका क्रैच आ गया है, इसको हम रिस्टोरेशन करेंगे। और इसको हम करेंगे हल्का सा ब्लैक टिंटेड, वो भी कलर के साथ। जैसे इसमें रैप होता है, रैप 2 दिन बाद उतर जाता है, दिक्कत आता है। बट परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन ये है, इसको हमको करना पड़ेगा हल्का टिंटेड स्मोक। तो इस ओल्ड हेडलाइट को हम टिंटेड ब्लैक में करेंगे। कैसे इसमें हम पेंटिंग का या फिर क्लियर कोट का उपयोग करते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रोसेस, ताकि अगर ओल्ड बाइक हो उसका, अगर बाइक का जो हेडलाइट है उसको टिंटेड ब्लैक ब्लैक टिंटेड ब्लैक लुक में करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको 1000 नंबर का जो सैंड पेपर है, अच्छे क्वालिटी का, मैं यूज़ कर रहा हूँ एशियन पेंट कंपनी का। 1000 नंबर का सैंड पेपर लेना है और इसको अच्छे से हल्का हल्का सैंडिंग करना है, ताकि इसका जो ये वाला सरफेस है वो बिल्कुल अभी रफ है वो स्मूथ हो जाए। तो 1000 नंबर से इसको हम सैंड करेंगे, तो हल्का हल्का सैंड करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। और सैंड करने से बाद जो है ये सरफेस ऐसा रहेगा। और बिफोर सैंडिंग 1000 नंबर से ये ऐसा हेजी टाइप का हो जाता है। जब इससे हम क्लियर कट मारेंगे, देखो ये क्लियर हो रहा है, इसको ऐसे सैंड करना पड़ेगा। आपका कोई सा भी हेडलाइट हो, अगर थोड़ा मॉडिफिंग करना है, थोड़ा अलग लुक चाहते हो कि उसका वही चल जाए, वही रजिस्ट्रेशन करें, तो ये आप कर सकते। बस ये सैंडिंग होगा और थोड़ा 2-4 मिनट कर लेंगे तो ये सरफेस जो है हमारा स्मूथ हो जाएगा। अभी सैंड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो आफ्टर सैंडिंग देख सकते हैं पूरा हेजी टाइप का हो चुका है। अभी इसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो हम करेंगे, इसको अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछ लीजिएगा। अभी हमारा सरफेस जो मेन सरफेस जो देखो स्मूथ हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अभी हम करेंगे इसका जो मेन प्रोसेस है कलर का वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्लियर अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ये क्रिस्टल क्लियर हल्का सा अप्लाई करेंगे। बस ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा हार्डनर अप्लाई करेंगे, हल्का सा। बस ये हमारा हार्डनर का काम हो गया। उसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे थिनर, ताकि ये पतला हो जाए। ये वाला थिनर हम अप्लाई कर रहे हैं। बस और अभी इसको हम मिक्स करेंगे। अभी इसके ऊपर हम जो भी कलर अप्लाई करेंगे हल्का सा उस टाइप का सेड आ जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा। उसको हम मिक्स करेंगे। अभी ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसमें हल्का सा, एकदम हल्का सेड करेंगे ना, तो इसमें हल्का सा हम ब्लैक यूज़ करेंगे। तो ब्लैक मैं इसमें ले जाता हूँ, ये BC ब्लैक है, बेस कोट ब्लैक। ये इसमें इस टाइप का हल्का सा, बस ये देखो इसमें हम मिक्स कर देंगे। ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया आई थिंक, ठीक है हम गन में एडजस्ट कर सकते हैं। आपको अगर ग्रीनिश टाइप का सेड करना है तो हल्का सा ग्रीन टाइप का ले लीजिए। तो क्लियर के साथ जो भी कलर आप अप्लाई करेंगे, मेन प्रिंसिपल है ये, तो वो उस टाइप का सेड आ जाएगा हल्का सा। ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हेडलाइट का विजिबिलिटी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो हल्का सा सेड करेंगे तो हो जाएगा। ये हमारा क्लियर रेडी हो चुका है, हल्का सा ब्लैक स्मोक टाइप का। अब इसके ऊपर हम गन में लोड करके अप्लाई कर देंगे तो आई थिंक आ जाएगा। तो ये देखो हल्का स्मोक टाइप का हो चुका है, इसको अभी अप्लाई कर देंगे। अब अपने हिसाब से हमने हल्का सा ज़्यादा किया है तो आप हल्का सा कर सकते हैं। अभी गन लोड हो गया, चलो अभी इसको स्प्रे करते हैं। ऐसा है, अभी इसको हम क्लियर अप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, अभी सिंगल कोट में फिनिशिंग नहीं आएगा, 2-3 कोट मारना पड़ेगा, तभी इसको वेट करते हैं। एक और कोट में मारता हूँ और इसको एक और कोट मारेंगे। ऑलराइट, देख सकते हैं ग्लेज ऑलरेडी आ चुका है, क्या था अभी क्या हो चुका है।
पूरा क्रिस्टल क्लियर टाइप का हो चुका है। अब ये धीरे धीरे डार्क हो जाएगा, अब सूखेगा ना डार्क हो जाएगा, अब ऐसे रहने देते हैं। तो अभी 5-10 मिनट हो चुका है, ये क्लियर हल्का सा सूख चुका है। अभी इसके ऊपर हम सेकेंड कोट अप्लाई करेंगे। सो दिस इज द थर्ड टाइम इसको हम इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ब्लैक कलर एक्स्ट्रा ऐड किया है ताकि और भी डार्कर हो जाए। ये थर्ड टाइम आई थिंक आ जाएगा सेट लेग्स फ्री। ऑल राइट, देखो हल्का सा स्मोक टाइप का फ्लेवर आ चुका है। तो अभी जब जैसे ये और भी सूखेगा ना, हाँ अभी देखो स्मोक टाइप का फ्लेवर आ चुका है। तो इसको ज़्यादा स्मोक नहीं करेंगे क्योंकि विजिबिलिटी में दिक्कत आएगा। तो इसको सूखने देते हैं और मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ भाजर लगा के, लाइक ब्रांड न्यू हो चुका है। सो अभी जो है देख सकते हैं स्मोक फ्लेवर आ चुका है और इसको हम और भी स्मोक करेंगे, तो इसलिए हम चौथी बार इसको स्प्रे कर रहे हैं और दिस इज़ द फाइनल टाइम। इसको हमको और स्मोक करना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और एक बार स्प्रे करते हैं लास्ट बार, ठीक है। या ये फाइनल है हमारा, और स्मोक करेंगे तो दिक्कत आ जाएगा। इसको सूखने देते हैं, उसके बाद मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ रिजल्ट। एज यू कैन सी स्मोकी फ्लेवर, और अगर आप चाहो देख सकते हैं पूरा हेडलाइट ब्लैक हो चुका है, दूर से देखो तो पूरा हेडलाइट इसका ब्लैक हो चुका है। और अगर आप चाहो तो ग्रीन स्नीस फ्लेवर चाहिए या फिर रेड टाइप का फ्लेवर आपको चाहिए तो आप इसमें रेड कलर मिला सकते हैं। जो भी आपको कलर पसंद है स्मोकी टाइप का, वो इसमें आप मिनिमम क्वांटिटी में ऐड करें और आपको ये वाला स्मोकी फ्लेवर, स्मोकी लुक्स आ जाएगा। तो इसको एक्चुअली फिट होने वाला है, तो इसका कैसा लुक आने वाला मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखो, सो दिस इज़ द लुक। तो दूर से हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, जो जब हमारा हेडलाइट पूरा फिटिंग होगा ना अराउंड 5 का, तो बाइक का लुक इस तरीके से आएगा। मैं आपको अगर इस साइड से दिखाऊँ तो बाइक का लुक इस तरीके से मतलब सही आ रहा है। देखो अभी इसमें क्या है, इसमें जो दाग वगैरह था वो सब कुछ हट गया, मतलब ऐसा यही लग रहा है कि ये ओल्ड वाला है। ये देखो सही लग रहा है ना। तो इस तरीके से आप किसी बाइक के हेडलाइट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में। तो सो गाइस मिलते हैं अगले पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट आई थिंक इसका पूरा फिटिंग के ऊपर होने वाला है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये वाला चीज़, इसी वीडियो में आप देख लीजिए। इसका पूरा पार्ट्स कलर हो चुका है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा कलर का प्रोसेस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।